हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाद का जस्ता। आज हम और आप मिलकर बनाएंगे मिक्स वेज। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी इलायची, 1 लौंग और जरा सा दालचीनी और ये कटा हुआ अदरक लहसुन। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज़ को मैंने कट कर लिया प्याज को, और ये कटा हुआ टमाटर, ये थोड़ा कट, ये थोड़ा सा काजू, 4-5 काजू है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 5 मिनट इसे थोड़ा हमें भूनना है। प्याज टमाटर अच्छे से भून चुका है, इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। लेकिन इसे भून के डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसे जार में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए तब तक हम ये वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बीन्स, ये गाजर, थोड़ा सा गोभी, शिमला मिर्च, आलू और ये ताज़ा मटर। इन सबको हमें फ्राई कर लेना है। तो आइए इन सबको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। मैं इसमें किक करके सभी सब्जियों को डाल दूंगी। तो मैंने इसमें मटर को फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि मेरे मटर बिल्कुल भी ताज़ा है। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप फ्राई कर लें। अभी सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में अलग निकाल दूंगी। मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रहे, अब जब भी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें तो तेल आपका ज़्यादा गर्म ना हो। हम इसमें डाल दूंगे तैयार किया हुआ पेस्ट। हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मसाले में से तेल अलग होने तक भून लेंगे। उसे ढककर तेल अलग होने तक इसे हम भून लेंगे। अभी मसाला बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। इस समय मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और मैं इसमें डाल दूंगी ये फ्राई की हुई सब्जियों को। और ये छीले हुए ताजे मटर। हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर बना लेंगे ताकि ये सब्जियां जो ना पकी हो वो सब अच्छे से गल जाए, वो सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। इसे बनकर तैयार हो चुका है और सब्जियां भी गल चुकी, अच्छे से पक चुकी है। इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब